सॉरी ऊपर आ ऊपर, कमेंट्स के अंदर नहीं, तुझे मैं दर्द न करना हूं दी की। ऊपर आ ऊपर, जल्दी जल्दी ऊपर आ, शाबाश, कमेंट में ना उछल, इधर ऊपर आ लाइन में लग के, जल्दी आ, तेरे बताता हूँ मैं क्या कर, जी तेरी रिसर्च निकालता हूँ मैं, जल्दी आ। जी नदवी साहब, सॉरी ये बस यही कह रहा था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजों को सीखने को मिली। एक चीज मैंने ये सबसे जबरदस्त सीखा है कि सामने वाले को पढ़ना आएगी, वो सीखने आया है या सिर्फ कुछ उगलवाने आया है। ये चीजें हाँ आपकी बड़ी जबरदस्त लगती है और आप इस पर बहुत जबरदस्त मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेंस आपको है जो पकड़ लेते हैं सामने वाला, मतलब बहुत ही नर्म अंदाज में ऐसे बोल रहा होता है कि मतलब वो सीखना चाहता है हालांकि वो कुछ उगलवाना चाहता है, और हाँ आप बगैर किसी मतलब हल्का हाथ धरे हुए मजबूत हाथ धरते हो उसके ऊपर। खैर नदवी अल्लाह आपको साहब, जजाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपको जजाए खैर जी दे, समझ गए नदवी साहब। अल्लाह ताला आपको दावत के काम में कामयाब करे। कुछ कुत्ते की दुम्मे होती हैं नदवी साहब, क्या करें, ठीक है ना, जी तो हाँ समझता कुत्ते की हूँ। थोड़ा सा फील हो जाए किसी पर तो फिर मैं उसको दुम की तरह ही ट्रीट करता हूँ। अब मुझसे लोग खफा हो जाते हैं, कहते हैं जी यार इतने प्यार से आमिर से बात कर रहा था, आमिर तो ऐसे हाँ, चल लोग खफा रहा हो है। जाते हैं। हाँ हाँ लोग नीचे समझ रहे, क्योंकि उनको क्या पता, वो तो अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, उनको तो ये है कि चलो यार प्यार से बात कर रहे तो ऐसे होना चाहिए, उनको अंदर की गेम नहीं पता जो हम फील कर जाते हैं। ये आप जैसे चेक अभी एक कर बंदा आया देते था हैं वो हम लोगों ने महसूस नहीं किया लेकिन आपने महसूस किया, उसके पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है जो म्यूट करके उनसे पूछ रहा ना। हाँ पूछा उसने, बिग बैंग, बिग है। बैंग का जब उसने कहा ना साइंटिफिक, ये वो साथ ही म्यूट किया, उसके फौरन बाद जी ओपन करके कहता है बिग बैंग। हाँ, तो सही बात है। चले अल्लाह जजा खैर अता फरमाए आपके लिए और आपकी टीम के लिए हमारा प्यार भरा सलाम, प्यार भरा सलाम। असलाम थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा नदवी साहब। अल्लाह ताला आपको कामयाब जी करे, अल्लाह जरूर ताला आपको रखे, दावत का काम ले आपसे, जजाकअल्लाह। जी इंशाल्लाह नदवी साहब दोस्तों हमारे साथ थे, दुआओं के साथ बड़ी प्यारी गपशप उन्होंने की। तो यार ये ना नदवी साहब तो माशाल्लाह समझ गए, अल्लाह ताला इनको जजाय खैर दे। मुसलमान मुखलिस होता है, मुसलमान, ये जुमला याद रखें दोस्त जो सुन रहे हैं, मुसलमान मुखलिस होता है, बेवकूफ नहीं होता। ए जी जो जिधर आए कुत्ता कान ले, हमारे पंजाब के अंदर एक मिसाल दी जाती है, कुत्ता कान लाया गया, कुत्ता कान लाया गया। इस्लामोफोब्स के कई कान टूटे इस तरह के होते हैं, कुत्ता कान लाया गया, कुत्ता कान लाया गया, और लोग कान चेक नहीं करते, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ते हैं, ये हालत है। तो एक मुसलमान को जो ये डिबेट्स के मैदान में उतरता है या इस्लामोफोब्स की रेफुटेशन का काम करता है, उसको हर तरह से चुकन्ना होने की जरूरत है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम में, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, वरना यहां लोग आएंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, लेके चलते जाएंगे, सीखना सूखना कुछ भी नहीं होता उन्होंने। हाँ सीखना सूखना कुछ भी नहीं होता। अच्छा आपको लारा लगाएंगे, आप भाई घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर डटने का दिल कर रहा है, पांच छह सवालात हैं, अगर आप जवाब दे दें तो पूरी फैमिली इस्लाम कबूल कर लेगी। चलो अब मेरे जैसा बंदा वैसे ही बड़ा ढीठ होता है इस मामले के अंदर, वो कहता उनकी छोड़ तू भी निकल, कल की करती आज कर, आज की करती अब, दबा दब आ, दरवाजा बंद करके निकल जाओ पतली गली से, हम तो बेटा पेलेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा इसको शिवा में जी हम, अच्छा एक वो स्टार्ट, अच्छा कुछ लोगों को ना अब तो आ गया समझ, पहले होता ये था ईमेल आनी, मैसेज आना, ईमान खतरे में, आमिर भाई ईमान पतला हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा गीला हो गया, ईमान निकल गया, ईमान खुश्क हो गया, आमिर भाई बचा लीजिए, आमिर भाई अगर आपने बात ना की, सवालों के जवाब ना दिए तो ना जाने क्या हो जाएगा। ये नदवी भाई आए हैं, इनकी इनकी वजह से मैं बता दूं, स्टार्ट के अंदर मैंने दो तीन बार चूना लगवाया है, ऐसे नहीं कमाल हो गया, मुझे मुझे चूना लगा है तो मुझे समझ आई है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ईमान लाना ना लाना ये तौफीक बिल्ला है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। अपना फोकस करो, अपनी नीयत को खालिस रखो, मूर्ख नहीं बनना बस।
बेवकूफ नहीं है हम, मुखलिस हैं, काम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, मगर हम बंदे को देखकर ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा बंदा वैसी बात। अब वो स्टार्ट में एक बंदा आया था, वो अच्छे से बात चल रही थी, बात चलते चलते जब मैंने उसके सवालात देखे ना कि वो करना क्या चाह रहा है, तो मुझे उससे आ गई खुशबू, तो मुझे पता चल गया कि ये कौन से कैंप से आया है। तो मैंने फिर उसको उस तरीके से ट्रीट किया और 2 मिनट के अंदर उसका निकल गया, हवा निकल गई, भाग गया, ये जी मेरे पास अभी कोई नहीं है, मैं परसों लेके आऊंगा, तो चौथ लेके आऊंगा। तो ये करना बड़ा जरूरी है। एक और चीज यहां मैं नदवी साहब ने जो बात की है यहां जिक्र कर देना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार बात की हुई है, वो ये है कि कई दफा आप ये समझ रहे होते हो आपकी खुलूस या आपकी नेक नीति आपको इतना हुस्ने जन के अंदर डबो देती है कि आप ये समझ रहे होते हो कि यार ये बंदा वाकई मुझसे जवाब लेना चाह रहा है। नहीं सर, नहीं, जवाब तो उसका कभी भी मतमाए नजर होता ही नहीं, उसका नस्बुल ऐन प्रश्नों का उत्तर होता ही नहीं कभी भी, उसका मकसद कुछ और होता है। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जब यहूद इसी तरह की टीटो पार्टियां करने के लिए आते थे, तो मेरे आका दो जहां फिदाहु अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिही व अज़वाजिही व असहाबिही व अहले बैतिही व बारक वसल्लमा, उनको कह देते थे वल्लाहु आलम, चलो पाज जाओ, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों? क्या आप ये कहेंगे कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे नहीं सकते थे? क्या आप ये कहेंगे कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवालों को इग्नोर करते थे? नहीं, बंदे के अंदर फर्क होता है, पता चलता है कौन बंदा सवाल जानकारी के लिए लेना चाह रहा है, कौन सवाल अगले बंदे को टोंट और तंग करने के लिए और तमाशे करने के लिए करना चाह रहा है, ये बंदे को पता चलता है। ऐसी सूरत में आपको समझना चाहिए कि एक मोमिन को इस मामले के अंदर थोड़ा सा चुकन्ना रहना चाहिए। खैर, या 4 घंटे से ऊपर हो गया, क्या करें, और लोग माशाल्लाह, या चेक करो, एक्स मुस्लिम आंदे कोई नहीं, मुसलमान माशाल्लाह हमारे दोस्त, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है। बस एक दो कॉलर लेते हैं फिर निकलेंगे। यार स्केडी भाई, जी स्केडी भाई, हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही ना? वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, आ रही है। अच्छा आमिर भाई, ये हिंदुइज्म के बारे में कुछ चीजें थी जिसके बारे में एक्चुअली डाउट था मुझे, तो आप जरा इंशाल्लाह जरा बताइएगा तो अच्छा रहेगा। अभी इस्लाम के हिसाब से आदम अलैहि सलाम से इंसानियत स्टार्ट हुई, हिंदुइज्म के हिसाब से क्या वो लोग भी किसी को ऐसा मानते हैं, या वो लोग सीधा बोलते हैं कि बंदर से वो लोग आए हैं बोलकर? यार स्केडी भाई, शास्त्रों में तो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। एक चीज मिलती है मत्स्य पुराण के अंदर जो रेफरेंस मिलता है, उसमें एक आदमी था जिससे स्टार्ट हुआ है, जिसको मनु बोलते हैं, और उसकी पत्नी भी थी, गलबन शत्रुपा थी उसकी पत्नी, पहले फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन मनु और शत्रुपा माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण और कई और थ्योरीज के मुताबिक। तो यानी इंसान, ठीक है। अच्छा, तो ये मनु को किसने बनाया फिर? अभी जैसे आदम अलैहि सलाम को मतलब अल्लाह ने मतलब बनाया, हाँ, तो ये इनके हिसाब से जो इनका ये मनु है मतलब उसको किसने बनाया? उसको ब्रह्मा ने बनाया था। अच्छा, ब्रह्मा वही जिसने अपनी बेटी का रेप किया था, वही ब्रह्मा? जी 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 बिल्कुल वही। अच्छा, ये लोग में जो राम है, कृष्णा है, फिर कल एक्चुअली ना वो फिर अली रजा भाई का अपना प्रोग्राम था, उसमें ये बृहस्पति के बारे में था, ये सब जन ने ना किसी का रेप किया हुआ है, किसी ने मां का रेप किया है। हाँ नहीं, ये बात एक्चुअली फैक्ट है जी। ये किसी ने मां का रेप किया है, किसी ने उसकी भाभी का रेप किया है, किसी ने उसकी बेटी का रेप किया है। तो अगर ये लोग सब अगर रेप अगर ये करते हैं तो क्या इनको ये सीख क्या मतलब ब्रह्मा से मिली हुई है? क्योंकि ब्रह्मा ने ओरिजिनली मतलब बेटी से रेप किया है ना,
असल में हाँ जी 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 असल में हुआ ये है कि जो यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है ना, वो बेसिकली रेप का रिजल्ट है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और ये मना है, पिछवाड़ा है ना, पिछवाड़ा जी। पिछवाड़ा डिबेट के अंदर ब्रह्मा सरस्वती के संभोग की कहानी को नेचर एंड कॉन्शियसनेस का रोमांटिक रिलेशन कहा था। उसने कहा अच्छा। कि ब्रह्मा और सरस्वती, तो बेसिकली ब्रह्मा ये है नेचर और सरस्वती थी कॉन्शियसनेस। सो नेचर और कॉन्शियसनेस का आपस में जो संभोग है, इससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यानी नेचर जो है वो कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हुई है, तो यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है। दूसरे लफ्जों में ये समझें कि यूनिवर्स की जो क्रिएशन है, उत्पत्ति है, वो हुई ही बलात्कार के ऊपर है, रेप के ऊपर, इनके अकॉर्डिंग। हाँ, इनके अकॉर्डिंग। तो जब इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की उत्पत्ति बलात्कार का परिणाम है, तो फिर जनाब कृष्णा भी ठोकेगा, बड़ा पाओ छोटा पाओ, पाओ पाओ पाओ, बड़ा भी पाओ छोटा पाओ, भाई ये सारे पा रहे हैं, बदो बदी पा रहे हैं, ये हो रहा जी। अच्छा अभी ये जो अच्छा ये थी द्रौपदी जो थी, उसके हस्बैंड जो लोग थे वो लोग पांच जन थे, तो वो द्रौपदी आगे से एक एक थी। हाँ जी, उनकी भी आगे से एक एक थी। नहीं चलो ठीक है, उनकी अलग से एक एक थी इधर, लेकिन पांचों की मिलाकर एक भी थी, ठीक है ना जी। हाँ वो भी थी। हाँ अच्छा, ये जो द्रौपदी है वो एक हिसाब से ना कृष्णा की बहन लगती थी वो। हाँ ये एक्चुअली ना वो टीवी में जो सीरियल आता था ना इनका, वो सीरियल के हिसाब से मतलब ऐसा मालूम पड़ा था कि द्रौपदी एक हिसाब से कृष्णा की बहन लगती है। अच्छा, तो द्रौपदी के अभी पांच अगर हस्बैंड्स थे, तो द्रौपदी को फिर एक अच्छी औरत का नाम दिया जाएगा या लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, रंडी का नाम दिया जाएगा? नहीं, वो रंडी ही कहा जाएगा, ये तो आपने सही कहा। देखें हाँ, मैं देसी लोग भाई, मैं सादा आदमी, मुझे ज़्यादा बात मुश्किल मैं नहीं जानता, इंग्लिश वगैरह इतनी स्केडी भाई, मैं कुछ ज़्यादा इतना नहीं इंग्लिश के अंदर कोई मुझे नहीं जानकारी, तो रंडी ही कहेंगे, वह है तो रंडी, यानी रंडी वाले काम ही है ना जी, पाँच पाँच बंदे भुगताना, तो फिर रंडी वाला ही है जी। क्योंकि एक आदमी के अगर दो वाइफ है, तीन वाइफ है, चार वाइफ है, अभी समझो अपना कृष्णा के 16,108 वाइफ है, तो वो सब वाइफ के थ्रू से जो भी बच्चे हुए रहेंगे, तो चलो उसके मतलब जो भी बाप है वो फिर एक ही आदमी है। अभी द्रौपदी को अगर कोई बच्चा अगर हुआ है, तो उसका बाप कौन इधर को बनेगा फिर? वो तो कृष्णा पे डाल देंगे ना एंड में। हाँ तो मतलब द्रौपदी के फिर मतलब हस्बैंड पांच नहीं छह हो गए फिर। बिल्कुल नहीं, बच्चा उस पर डलेगा, हस्बैंड की कैटेगरी पांच ही है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया स्केडी भाई, थैंक यू। वालेकुम सलाम स्केडी भाई, बड़े तेज हैं स्केडी भाई ने क्रिएशन से बात शुरू की लेके कहाँ गए हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं हमारे, बड़े बड़े तपस्वी। अच्छा जी, इस्लामिक वॉरियर भाई, बस आखिरी कुछ एक दो कॉलर थे उनको लेंगे पर निकलेंगे। इस्लामिक वॉरियर भाई जी, हेलो, माइक म्यूट है भाई, हेलो, पता नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही भाई। एक्स हिंदू श्री रामचंद्र जी जी, श्री रामचंद्र जी, यार क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। यार मुझे आवाज नहीं आ रही, इनको नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है? है? मेरी आवाज आ रही है किसी को? मेरी आवाज भी आ रही है कि कोई नहीं आ रही किसी को?
अच्छा आ रही है, ठीक हो गया। मैंने कहा यार ये लोगों की नहीं आ रही। अच्छा एक भाई कह रहे हैं यार आपने वो बोल दिया कि रंडी थी, आप प्रोस्टिट्यूशन बोल देते, प्रोस्टिट्यूट बोल देते, वो बहुत अच्छे। तो भाई इंग्लिश में कहने से इंसान नहीं बदल जाता, रहेगा तो वो ही जो है। और रंडी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी नेगेटिव इन अ सेंस की एक गाली। भाई मेरी बात सुने, जो करतूत है वो कहा जाएगा ना भाई, है? जो करतूत है वो कहा जाएगा, सिंपल सी बात है। एक औरत अगर पांच पांच बंदों के पास जा रही है, एक औरत, अरे मिर्चें लगी हैं तेरी माँ दी, तू मुझे नजर आब, तू कहता था ना तू मुझे नजर आब कहीं, तेरे कृष्णा दी चड्डी मैं चौंक चपाड़ांगा, याद रखें, तू बड़ा कहता था ना। करतूत तुम्हारे देवी देवताओं के गंदे हैं, बलात्कारियों के हैं, चढ़ते तुम हमारे शिवलिंग के ऊपर हो, बेगैर तो आग लगाओ अपने उन अपना देवी देवताओं को जिन्होंने ये गंद किया है। मिर्चें लगी हैं तुझे, फट गई तेरी चौंक के अंदर, गंद किया नहीं तुम्हारे देवी देवताओं ने, ये गंद किया नहीं क्या, हमें सिखाते हो, बेकार आदमी, बकवास, ये बकलोल चमन चूस ड्रामेबाज। भाई एक औरत है, पांच बंदे बारी लगा के उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या कहा जाएगा उस औरत को, टैक्सी नहीं तो और क्या है वो औरत, बताओ मुझे। हैं एक जाता है चप्पल बाहर छोड़ देता है, दूसरा आता है लुंगी बाहर छोड़ देता है, तीसरा आता है धागा बाहर छोड़ देता है, पांचवा आता है जनाब प्रोटेक्शन बाहर छोड़ जाता है। तमाशा है, द्रौपदी थी का मंदिर का घंटा था, ये जो आता बजा के निकल जाता है। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे, खोती के बच्चे, इंसान के बच्चे बनो। वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जागती जब एक्स मुस्लिम बैठकर मुंह फाड़कर ब्लास्फेमिया करते हो, उस वक्त तो बड़े कैके करते हो, दंदियां निकालते हो, हैं? उस वक्त किधर जाती है तुम्हारी गैरत, ये सारी गैरत हमारे ऊपर जागती है जब मुसलमान तुम्हें पांजे लगाते हैं। बंद कराओ उसे टोपी ड्रामे को, तमाशे को, फिर आकर हमारे साथ आके बकवास करना, बेगैरत। सुबह शाम इस्लाम के ऊपर कुत्तों की तरह भौंकते हैं ये, नीचे पिछवाड़ों के अंदर एक दूसरे के उंगलियां कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। अब हमने तीर डाल के तुम्हारे पिछवाड़ों में थोड़ा सा घुमाया तो तुम्हारे पटाखे निकलना शुरू हो गए हैं, तुम्हारी चीखें नहीं रुक रही। टीटू पार्टियां कर देने साडे नाल। इमरान खान भाई रो बह के जम्मन वाले नू। हेलो, अस्सलाम जी जी इमरान भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये आखिरी ये कॉलर होंगे, इसके बाद अब्दुल्ला भाई फिर खत्म करेंगे। जी और आमिर भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। यार कॉलर्स बहुत बैक साइड पे मौजूद है, नहीं ले पाऊंगा सबको यार, माजरत चाहता हूँ। आमिर भाई, ले ले मैंने यू फोन करा था, मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी। हाँ जी मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी इजाजत है, खुश रहें आमिर भाई। हेलो, जी। जी सलाम करना आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, ये कौन है? ये मेरा बेटा ओ माशाल्लाह शहजादा, कैसे हो बच्चा, ठीक हो है। भाई, अभी तक जाग रहे हो? आपकी वजह से अरे यार मैं सदके जाऊं, मेरा शहजादा अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे यार आपकी मोहब्बत को, मेरा तक इंशाल्लाह जाग रहा आपके बच्चा। जैसे ही बनाना यार नहीं मेरे जैसा नहीं, मुझसे बेहतर इंसान बनाओ यार, है। नहीं, आप मैं बहुत बहुत बेहतर मैं इंसान बहुत अरे नहीं यार मैं बहुत छोटा, ये मुझे पता है। बस अल्लाह ताला मुफ्ती असर साहब की तरह बनाए, कैसर भाई की तरह हैं। बनाए, हाँ बड़े हाँ लोग। वो, नहीं हाँ नहीं, आप जो जैसे उनके तीर मारते हैं ना, जहर बस में चले कोई भुजोगे, नहीं, कोई नहीं, मैंने बस दुआ ये दे सही, दी अपनी तरफ। क्योंकि इनको आप जैसे ही लोग चाहिए आमिर भाई। अल्लाह ताला बस अच्छा, देखिए मैं तो बेहतर दुआई दूंगा ना,
तो अल्लाह ताला दुआ, बाकी आप लोगों की दुआ मेरे लिए काफी है, अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे यार, माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, मैं ये यूं फोन मैंने भी यूं बात करने को करा था, मैंने आमिर भाई मुझे एक इजाजत ये चाहिए कि इनके चैनल पे जाके जो कुत्ते ने कंजन ने करा है तो हम अपनी भड़ास निकाले इसके चैनल पे जाके, क्योंकि हमने कंप्लेंट करके तो देख ली कुछ नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो इस्लाम की उस हद को क्रॉस करता हो जो हमारी बाउंड्री है, वो नहीं, नंबर वन। नंबर दो, इमरान भाई कोई फायदा नहीं है इनके चैनल्स पर जाने का, इनका एक ही इलाज है, अगर काम करना चाहते हो ना इमरान भाई, अगर हमारे में गैरत है तो मुसलमानों को चाहिए कि इनके चैनल्स का बायकॉट करें, ये है हमारी गैरत। ये कर सकते हैं क्या मुसलमान इस कैंपेन को लेकर, बायकॉट एक्स मुस्लिम चैनल्स इस कैंपेन को लेकर तो कर सकते हैं हम आप, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी सुने, मैं गारंटी, आप इनके चैनल्स का बायकॉट करें, ये मुहिम चलाएं, ये तो हमारे इख्तियार में है ना, पुलिस हमारे पास नहीं है, अदालतें हमारी बात नहीं सुन रही, हम इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा मामला। तो मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बायकॉट एक्स मुस्लिम चैनल्स कंपेन शुरू करें, आपको फर्क पता चल जाएगा, मुसलमान यूथ तक पहुंचाएं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इनके बायकॉट करते हैं, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने ब्लास्फेमी शुरू की है, इन लोगों ने हद पार कर दी है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप को साइड पर, सिंपल फर्क पता चल जाएगा आपको, देखना इधर काल पड़ जाएगा, नजर भी नहीं आएगा। ये भी काम करेंगे आपके कहने से, मैंने इसीलिए मैंने कहा मैं अपने भाई से पहले इजाजत लूंगा, क्योंकि हमारे भाइयों ने हमें रोक रखा है कंजरों के चैनल पे जाने से, तो इसलिए मैंने कहा अगर आमिर भाई ने इजाजत दी तो आमिर भाई यहाँ से तीर मारते हैं, उनके चैनल पे जाके फिर तीर मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल फर्क कराएंगे या करने का काम जो हम कर सकते हैं ना हमारे इख्तियार में, देखो आप जाओगे उनको और सुपर चैट मिलेगी, हिंदू को हिंदू खुश होगा, वो पता क्या कहेगा, देखा मुसलमान आ गए, हमने उनको बुला लिया किसी ना किसी तरीके से, ये धंधा करेंगे, यही तो आज का एपिसोड है जहालत का धंधा, ये धंधा करते हैं। इस धंधे को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका कार है, ज्यादा से ज्यादा यूथ तक इस धंधे को एक्सपोज करने के लिए ये कैंपेन चलाएं, कि इनके पास जाने का फायदा ही नहीं है, बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि ये आपको बिठा के पैसे कमाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने इनकी मिसाल दी हुई, ये उन तवाइफों की तरह है, प्रोस्टिट्यूट की तरह है, कि जिनको पता होता है कि बंदे ने आके उनके साथ ये गंदा काम सारा करना है, मगर उनको सेटिस्फेक्शन ये होती है कि चलो करने के बाद पैसे तो देगा ना, इसी तरह ये एक्स मुस्लिम्स उन तवाइफों की तरह, उन प्रोस्टिट्यूट्स की तरह है, जो आपसे बातें भी सुन लेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर एंड पे कहेंगे चलो हमें पैसा तो मिल गया ना, ये है इनकी गंदी हरकत। सही कह रहा हूं आमिर भाई ये बात, तो इसीलिए मैंने अभी तक कुछ कदम नहीं उठाए, वो कोशिश करी थी कि इनकी FIR कराएं, पर बहुत धक्के खाए, बहुत परेशान हुए, कुछ काम नहीं हो पा रहा है चक्कर में, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चाहते अपना हक अदा, आपने अपना हक अदा किया, उसमें भी मुसलमानों को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है कि हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया या हमने ग्राउंड पर जाकर FIR कटवाई मगर पुलिस ने हाथ नहीं पकड़ाया, कोई बात नहीं, हमने अल्लाह को जवाब देना था ना, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जो बात सच है उसको कहते रहेंगे और करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही तो कहता हूँ आमिर भाई, मैंने जब से आपको सुना है ना, मेरी तमन्ना है, पहले तो मैं चाहता था मेरा बच्चा जाकि नायक जैसा बने, फिर जब से आपको सुना मुझे लगा इन लोगों के लिए आप जैसे ही लोग चाहिए, यानी कि अपने बेटे को ये तालीम दिलाऊंगा कि वो आमिर भाई की तरह एकदम बेबाक बंदा बने, बोलने से जब अल्लाह की बात आए, अल्लाह के रसूल की बात आए, तो दुनिया की कोई ताकत खड़ी हो किसी से न डरे। क्या बात है, क्या नाम है या ना बताइएगा, अब्दुल कय्यूम खान, कय्यूम खान, ठीक है चले, अल्लाह ताला अब्दुल कय्यूम खान को अपनी हिफाजत में रखे। वालेकुम सलाम अब्दुल कय्यूम, कैसे हैं, ठीक है ना, वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो ना, हाँ। आपके जैसे बनूंगा मैं,
अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझसे भी बेहतर बनोगे इंशाल्लाह। मगर अब्दुल कयूम उसके लिए तो आपको जनाब इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे आप इस्लाम को इंशाल्लाह? हैं बताओ। हाँ अच्छे से। चलें सुनाएं, याद किया तो सुनाएं माशाल्लाह। माशाल्लाह आमीन आमीन अल्लाहु अकबर क्या बात है। ये बड़ी अच्छी तरबियत की आपने इमरान भाई, अल्लाह आपको अजर देगा इसका, अपने बच्चों का ये खिदमत करने का, इस तरह तरबियत करने का, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, उनको तैयार रखें। आमिर भाई इन लोगों को देख के एहसास हो गया ना कि अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत दीन की नहीं दी तो ये तो हमारी नस्लें बर्बाद कर देंगे, ये हुकूमत ये कंजल लोग मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमने तो अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम इतनी देनी है कि इंशाल्लाह वो आपकी तरह ही निकले मैदानों में और दीन की दावत दे, जो हमारी नस्लों में दीन रहे बाकी, क्योंकि ये लोग छोड़ने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नस्लें आगे की बर्बाद हो जाए। यस, इनकी नजर आपसे ज्यादा आपकी नस्लों के ऊपर है मैं बता दूं। जी बिल्कुल आमिर भाई, हम यही तो समझते हम 5-6 यार दोस्त हम यही चीज आपस में डिस्कस करते हैं कि यार अपनी नस्लों को हमें ये काम करना है कि हम अपनी नस्लों को दीन की तालीम इतनी दें, पूरी कोशिश करें कि वो अपनी नस्लों को इतनी दें, क्योंकि आगे चेन चलनी चाहिए, टूटी ना तो ये लोग बहुत तेजी से हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी नस्लें खत्म करेंगे दीन से हटा, क्योंकि आरएसएस के जो विंग है उसके अंदर मॉडर्न मुस्लिम बनाने की वो चलती है, विंग है जो मॉडर्न मुस्लिम बनाना चाहता है। मॉडर्न मुस्लिम तो आप जानते हैं अच्छे से वो केस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ये समझ लें कि शेर से उसकी धाड़ छीनना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको तरकस का शेर बनाना। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुसलमान को शेर बनाया वो शेर ही रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेर आमिर भाई बड़ा दिल खुश होता है तुमसे तो बात करके, जब जब बात करता हूँ बहुत दिल खुश होता है, बहुत दिल खुश होता है। जज़ाकअल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई इमरान भाई ये जो बच्चे से आपने मुलाकात करवाई, हमारे बेटे से अब्दुल कयूम से, और जिस तरह आपने उसकी तरबियत की है, अल्लाह आपको इसका इंशाल्लाह अजर देगा, कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अपनी नस्लों पर मेहनत कर लो, खुदा की कसम जब इस दुनिया से हम जाएंगे ना तो कुछ अच्छे लोग छोड़कर इस दुनिया में जाएंगे ये जो अल्लाह के लिए आवाज़ उठाते रहें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें, वरना हम लोग जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे ये सोचेंगे कि यार फलां आएगा तो करेगा, फलां आएगा तो करेगा, इस तरह तो कोई भी नहीं करेगा। भाई नहीं बिल्कुल, यही मैं सोचता हूँ कि किसी पे नहीं बैठना, हमें अपने ऊपर करना, हम करेंगे बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जितनी ताकत और कुव्वत देगा उस हिसाब से करेंगे और कोशिश करेंगे कि और बच्चे भी आए उनकी तालीम में, कोशिश करें कि दीन की तालीम में उनके साथ जो मदद कर सकते हैं करें। ये मुसलमानों को चाहिए, हमारे माशरे में चीज की कमी है आमिर भाई, हिंदुस्तान में तो है। अपना ख्याल रखो। चलें जी, ले दोस्तों इमरान भाई हमारे साथ थे। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, अल्लाहुम्मा बारिक फी औलादी, अल्लाहुम्मा बारिक फी औलादी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। अल्लाह ताला इनको तरोताज़ा रखे, छोटे छोटे बच्चों को ये माशाल्लाह तरबियत कर रहे हैं, इस तरह अपने बच्चों को दीन सिखाएं, ट्रांसलेशन के साथ अहदीस पढ़ाएं, दुनिया का भी पढ़ाएं, दीन का भी पढ़ाएं, दोनों चीज़ें पढ़ाएंगे आप तो जाके आपका बच्चा दुनिया में भी कम्पीट कर सकेगा और रिलीजन के मामले के अंदर भी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होगा, अदरवाइज वो झुक जाएगा। तो इसलिए क्या मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चों को मदरसा में डालेंगे
तो वो दुनिया की तालीम से पीछे रह जाएंगे, और अगर दुनिया की तालीम देंगे तो वो दीन की तालीम से पीछे रह जाएंगे। इसका एक ही हल है। नंबर वन, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा लंबा चौड़ा काम है, और हिंदुत्वा पैक्ट जो ग्रुप्स हैं वो यकीनन इस काम को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने, आपने देखा था, इस्लामिक स्कूल्स शुरू किए थे, ठीक है, एक्सपेंसिव थे, सारे मामला थे, मगर एटलीस्ट एक कोशिश काविश थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और एलीट स्टैंडर्ड के उन्होंने स्कूल शुरू किए, इस्लामिक स्कूलिंग शुरू की। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी को ज़रूरत है इस्लामिक स्कूल्स बनाने की, वो मुस्लिम स्कूल्स जिनके अंदर दुनिया के और एफिलेटेड हों, ठीक है ना, हायर एजुकेशन के साथ लिंक हों, तो जहाँ बच्चा दीन भी पढ़े और दुनिया भी पढ़े, दोनों चीज़ें पढ़े, दोनों नॉलेज जो है वो हासिल करे। एक तो इस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत शिद्दत के साथ इसकी कमी महसूस की जाती है। जितने सेकुलर लॉबी है उन्होंने अपने बड़े बड़े हाई क्लास फुली फंडेड फुली इक्विप्ड स्कूल्स शुरू किए हैं, जिसमें मॉन्टेसरी से लेके आगे 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को जाते जाते उनको इतना न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि बच्चे के अंदर दीन की, अल्लाह की, अपने मुआशरे की, अपनी ज़िंदगी की कोई अहमियत ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ रह जाती है कि सिर्फ कि वो पैसे कमाए। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, स्कॉलरशिप भी थी, ठीक हो गया, 30+ परसेंट बच्चे फ्री में पढ़ते, वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छी बात है, मगर इन्होंने उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो हर फैमिली के लिए बहुत इजीली हो सकता है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। हमारे आजकल के जो यंग माँ बाप हैं वो सोशल मीडिया के अंदर फंस चुके हैं, बेचारे यारी दोस्ती के अंदर फंस चुके हैं, औलाद पैदा करते हैं तो उसको टाइम नहीं देंगे अनफॉर्चुनेटली, मगर माशाल्लाह इमरान भाई जैसे माशाल्लाह ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, गोद में हैं, 2-3 साल के हैं, 4-5 साल के हैं, कन्फ्यूज ना हो। अपने बच्चों को अगर आप दुनिया की तालीम दिलाना चाह रहे हो, वो पढ़ना चाह रहे हैं, ज़रूर दिलाएं। उसका तरीका फिर ये करें कि जिम्मेदारी लें कि जब बच्चा स्कूल से घर वापस आएगा तो दीन की तालीम आप देंगे, ये टाइम निकालें। 4 से 5 घंटे डेली माँ या बाप अपने बच्चे को दीन के मामले में दें, गिनती के 4 से 5 घंटे। चलो ज्यादा लग रहे हैं, मिनिमम 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे दिन के अंदर बच्चा स्कूल से आए अपने घर से दें, ये काम तो मुश्किल नहीं है ना। स्कूल से आता है, 2 घंटे माँ को चाहिए, बाप को चाहिए, अपने बच्चे के पास बैठे उनसे सवाल पूछें, अल्लाह का इंट्रोडक्शन करवाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझाएं, कुरान की कुछ आयतें उसे याद करवाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है उसकी ट्रांसलेशन पढ़ाएं, टाइम दें, बैठें, उसको नमाजों का ख्याल करवाएं, उसको पाकी ना पाकी का बताएं, हलाल और हराम की तमीज़ सिखाएं, कम अज़ कम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। कल कयामत के दिन जाएं तो आप अल्लाह के सामने ये तो कह सकें कि अल्लाह हमने पूरी कोशिश की थी, आगे उसका नसीब, आगे उसकी तौफीक, आगे उसकी कोशिश। तो अगर आपको ये डर लगता है कि बच्चे को दुनिया पढ़ाएंगे तो दीन रह जाएगा, मदरसा भेजेंगे तो दुनिया रह जाएगी, तो आप बच्चे को दुनियावी तालीम पढ़ाएं, मगर फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें खुदारा कि अपने बच्चे को 4 या मिनिमम 2 घंटे डेली बैठकर इस्लाम की इंफॉर्मेशन दें। मैं रवायती तालीम की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर रवायती अंदाज के अंदर अपने बच्चों को एजुकेट करें, खुद मेथड तैयार करें, घर बैठें, ठीक है। वीडियोस कुछ नज़र आती हैं तो वीडियोस की शक्ल में बच्चों को साथ बैठकर वीडियो सुनाएं, जहाँ वीडियो गेमें खेलते हैं बच्चे, ऊट पटांग कार्टून देखते हैं, ऊट पटांग ड्रामे ये चीज़ें देखते हैं, वहाँ बच्चों के साथ बैठें, उनको दीन की वीडियोस दिखा दें, कुछ अच्छे तफसीर के लेक्चर सुना दें, बच्चों को एंटरटेनिंग बनाएं उनके लिए दीन की इंफॉर्मेशन को। हमारा मामला क्या हो गया कि हमने रिलीजन को या इस्लाम को बड़ा खुश्क और ड्राई बना दिया है, जिससे युवा पीढ़ी आज की वो उससे मुतनफर होती है, वो इंटरेस्ट ही शो नहीं करती। लोग आज के दौर के अंदर रील्स के शौकीन किस्म के और शॉर्ट्स के वर्जन के चक्कर में शॉर्ट चीज़ें देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट चीज़ों के अंदर उनको एंटरटेनमेंट नज़र आती है, उनको इंटरेस्टिंग लगती हैं। दीन को इंटरेस्टिंग बनाएं, दीन को जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाएं बच्चों के लिए, ये चीज़ काम जो है पेरेंट्स कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा।
और इस पर YouTube चैनल्स मौजूद है पेरेंटिंग के लिए कि इस्लाम को कैसे बेहतर सिखाएं, बच्चों को कैसे सिखाएं, इस बारे में आप अपना टाइम दें। याद रखें, औलाद जहां अल्लाह की नेमत है वहीं आपके लिए आजमाइश भी है। अल्लाह औलाद देकर आजमाता है, याद रखना आपने। तो जिन जिन की औलाद है वो अपनी औलादों की तरफ देखकर ये सोच लें कि क्या उन्होंने इस आजमाइश के ऊपर कोई तैयारी की है, क्या तैयारी, क्या मामला था उनके इस तरह के, वो करें अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। बस इसी चीज़ के साथ दोस्तों, ज़्यादा लोगों को नहीं ले पाऊंगा, मैंने कुछ लोगों को लिया था, उनसे बात ना हो सकी, कुछ दोस्त अभी भी बैक स्टेज पर बैठे हैं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको नहीं ले पाऊंगा। मैंने 3 घंटे का एस्टिमेट रखा था, 4.5 घंटे हो चुके हैं, 1.5 घंटा मैं ऊपर जा चुका हूँ। ठीक स्ट्रीम को 2.5 घंटे हुए थे तो मैंने मुस्लिम कॉलर्स को ओपन कर लिया था। पता क्या मतलब है इसका, 2.5 घंटे लिंक मैंने मुस्लिम्स के लिए ओपन कर दिया था, इसका मतलब है 2 घंटे मुस्लिम कॉलर्स के साथ मैंने टाइम दिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ, और बड़ा मज़ा आया, सब कॉलर्स के साथ बड़ा मज़ा आया, जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ताकि कोई रह ना जाए, जितने कॉलर्स आए, बिलखसूस एक नाम लेना चाहूँगा, शर्मा भाई जो रिवर्ट थे, बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई। जिन लोगों ने नहीं सुनी पीछे जाके शर्मा साहब की गुफ्तगू ज़रूर सुनिएगा, उमरा करने का उन्होंने अपना वाक्या सुनाया, अपना एक मज़ेदार कहानी सुनाई है, कैसा उनका जर्नी रहा, उनको सुने, आपको काफ़ी उससे चीज़ें मिलेंगी अच्छी। इसी चीज़ के साथ दोस्तों, 2 घंटे हमने मुस्लिम कॉलर्स को आज दिए थे, गलती को तो माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों को ना ले सका बड़ा मदद खाऊँ, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह तसल्ली से आपसे मुलाकात होगी अगली स्ट्रीम के अंदर। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक्स मुस्लिम्स तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग आ सकें, आएँ और हम सुन सकें उनके पास क्या है कहने को। फिमानिल्लाह।